फोर्थ लेक्चर फॉर क्लास नंबर फोर वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशन एंड इन दिस गोइंग टू स्टडी अबाउट जुडिशरी व्हिच इज थर्ड इंस्टीट्यूशन ऑफ गवर्नमेंट ठीक है देखो पिछले दो लेक्चर्स में जब हमने पार्लियामेंट या आप लेजिस्लेचर कहें या फिर और दूसरे लेक्चर में एग्जीक्यूटिव के बारे में जब हमने पढ़ा तो थोड़ा थोड़ा दोनों में कही कहीं ना कहीं कॉम्प्लीकेशंस आते हैं मतलब अगर आप पहली बार सिविक्स पढ़ रहे हैं इतने डिटेल में ठीक है नाइन्थ स्टैंडर्ड में थोड़ा सा डिटेल में जाना पड़ता है राइट और कंसेप्चुअल चीज़ों को जब आप समझने की कोशिश करते हैं तो एग्जीक्यूटिव में और लेजिस्लेचर में थोड़ा थोड़ा कॉम्प्लेक्स आपको चीज़ें पढ़ने को मिलती हैं ठीक है लेकिन जुडिशरी बहुत ही सिंपल है मतलब सबसे सिंपल अगर आपको बेसिक पढ़ना है किसी भी इंस्टीट्यूशन का तो वो आपकी जुडिशरी है इसमें भी अगर आप बहुत डिटेल में जाएंगे तो अगेन ये भी कॉम्प्लेक्स होगा राइट एज पर आर सिलेबस हमको सिंपल चीजें पढ़ना है तो शुरू करेंगे जुडिशरी के साथ देखो जुडिशरी का, का काम क्या है टू सर्व जस्टिस है ना मतलब लोगों को क्या देना है न्याय टू सर्व जस्टिस अब जस्टिस की जरूरत किसको होगी है ना अगेन वाई क्यों करना है भाई जस्टिस को सर्व क्योंकि जस्टिस की जरूरत है सोसाइटी में जस्टिस की जरूरत है ठीक है किसको जरूरत है जिसके साथ अन्याय हो रहा है या जिसके साथ कोई भी चीज़ गलत हो रही है जिसके राइट्स को वायलेट किया जा रहा है राइट्स क्या है लास्ट चैप्टर तक रुकिए इसके बाद जो फिफ्थ चैप्टर है हमारा है ना डेमोक्रेटिक राइट्स उसमें आपको समझ में आएगा और वहां पर आपको जुडिशरी का बहुत ही बड़ा रोल प्ले देखने को मिलेगा है ना तब जुडिशरी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगेगी यहां पर हम एक बेसिक आइडिया लेकर उसको खत्म करेंगे देखो जस्टिस को सर्व करने की जरूरत क्यों है क्योंकि सोसाइटी में कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जो दूसरों के राइट्स को वायलेट कर रहे हैं है ना दूसरों को परेशान कर रहे हैं या एक तरीके से उनको पीसफुली रहने नहीं दे रहे तो जिसके भी साथ गलत हो रहा है जुडिशरी एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो उस गलत चीज को जस्टिस देने की कोशिश मतलब सही चीज को जस्टिस देने की कोशिश कर रहा है है ना देखो और लोगों को प्रोटेक्ट करता है कि उनके साथ कोई गलत चीज होटिंग देखो अब जस्टिस सर्व करने का काम जुडिशरी का है लेकिन अगेन ये एक इंस्टीट्यूशन है इसके पास भी बहुत सारे अंदर लेवल्स हैं ठीक है इंडियन जुडिशरी कैसी जुडिशरी है इंटीग्रेटेड इंटीग्रेटेड का मतलब क्या है बहुत सेपरेशन नहीं है इसमें जुडिशरी का जो सिस्टम है वो इंटीग्रेटेड है जुड़ा हुआ है एक दूसरे से किन चीज कौन सी चीज़ें आपस में जुड़ी हुई हैं तीन लेवल हैं सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट एंड डिस्ट्रिक्ट कोर्ट देखो तीन लेवल हमको यहाँ पर देखने मिलते हैं सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट एंड डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स इसके नीचे भी कोर्ट्स हैं हमारे पास राइट सेशन कोर्ट्स हैं लोक अदालत हैं या आ, पंचायत में भी आपने देखा है कि कई बार जस्टिस को सर्व करने की कोशिश यहाँ पर की जाती है ठीक है देखो सुप्रीम कोर्ट किस लिए है पूरे इंडिया के लिए हाई कोर्ट किसके लिए इंडिविजुअल स्टेट्स के लिए और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट किस लिए है इंडिविजुअल डिस्ट्रिक्ट्स के लिए राइट इसके नीचे पंचायत्स में आप देखेंगे कि जो न्याय पंचायत वगैरह लगती हैं जिसमें विलेज में होने वाले जितने भी रॉन्ग चीज़ें हैं जिसके भी साथ गलत हुआ उसको जस्टिस प्रोवाइड करने की कोशिश की जाती है है ना देखो अब इंटीग्रेटेड जुडिशरी की जब हम बात करते हैं तो इसका मतलब क्या है कि कोई भी पर्सन ज़रूरी नहीं है कि अगर वो किसी एक पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से सेटिस्फाइड नहीं है तो उसको तो भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का डिसीजन मानना पड़ेगा ठीक है अगर मान लो कि मेरा कोई केस है जो मैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में लेकर जाती हूँ और इसमें मैं हार जाती हूँ लेकिन मैं केस से सेटिस्फाइड नहीं हूं तो मेरे पास एक ऑप्शन है कि मैं क्या कर सकती हूं हाईकोर्ट में अपील कर सकती हूं कि मेरा केस यहां पर सुना जाए हाईकोर्ट मेरा केस सुनता है अगर मैं हाईकोर्ट से भी सेटिस्फाइड नहीं हूं तो मैं कहां पर अपील लगा सकती हूं सुप्रीम कोर्ट लेकिन सुप्रीम कोर्ट जो बोलेगा वो मुझे मानना पड़ेगा ठीक है इसको आप कहते हैं अपील के थ्रू जब आप ऊपर जाते हैं तो यू कॉल इट अपीलियट सिस्टम ठीक है अपीलेट सिस्टम के थ्रू आप क्या करते हैं जुडिशरी में जस्टिस की मांग कर सकते हैं हाईएस्ट लेवल तक जाके राइट right? ये हो गया आपका अपीलियट सिस्टम दूसरा हमने इसको इंटीग्रेटेड क्यों कहा है इंटीग्रेटेड का मतलब है कि यहां पर सुप्रीम कोर्ट की जो पावर है वो हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से ज्यादा है और ये सुपीरियर भी है इन दोनों से राइट right? मतलब ऑब्वियसली बात है कि सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट तीनों के पास जस्टिस देने का अधिकार है है ना तीनों इसी काम के लिए बने हैं लेकिन मान लो सुप्रीम कोर्ट कोई एक क्राइटेरिया बना देता है या सुप्रीम कोर्ट कुछ पर्टिकुलर रूल्स को बना देता है कंडक्ट करने के लिए केसेस को ठीक है तो वो हाई कोर्ट को भी मानने पड़ेंगे और सुप्रीम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को भी मानने पड़ेंगे है ना फिर अगर मान लो सुप्रीम कोर्ट देखता है कि भाई कुछ केसेस हैं जो हाई कोर्ट में लगे हैं जो नेशनल इंपॉर्टेंस के हैं या जिनमें जस्टिस प्रोवाइड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है तो सुप्रीम कोर्ट चाहे तो हाई कोर्ट से उन केसेस को अपने पास बुला सकता है है ना मतलब हाई कोर्ट केस सॉल्व कर रहा है लेकिन सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि नहीं इस केस में सीरियसनेस बहुत ज्यादा है ठीक है या इस केस को सॉल्व करना नेशनल इंपॉर्टेंस मतलब पूरे नेशन पर यह केस एक आ, एक बड़े लेवल पर असर डाल रहा है ठीक है तो क्या कर सकता है सुप्रीम कोर्ट उस हाई कोर्ट को बोल सकता है कि भाई ये वाला जो केस है ये आप हमको दो अब हम इसको देखेंगे है ना हाई कोर्ट के साथ भी कर सकता है ऐसा और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के साथ भी ऐसा कर सकता है अगर मान लो सुप्रीम कोर्ट ने कोई डिसीजन दिया है जिसको पहले हाई कोर्ट सुन रहा था तो डिसीजन किसका माना जाएगा सुप्रीम कोर्ट को राइट right? सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन दोनों कोर्ट्स के सामने सुपीरियर ही रहेगा राइट ठीक है लेकिन जरूरी नहीं है मान लेते हैं कि यहां पर केस मेरे फेवर में गया ठीक है मान लो यहां पर केस मेरे फेवर में नहीं था तो मैं हाई कोर्ट में चली गई हाई कोर्ट में केस मेरे फेवर में आया लेकिन जो दूसरी पार्टी थी उसने सुप्रीम कोर्ट में केस लगा दिया और सुप्रीम कोर्ट में अगेन मेरे अगेंस्ट आ गया डिसीजन ठीक है तो मैं ये नहीं कह सकती कि नहीं मैं तो हाई कोर्ट का ही मानूंगी मैं सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन नहीं मानूंगी नो no. सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन ही अल्टीमेट ultimate होगा अल्टीमेटली मतलब फाइनल uh, होगा क्यों डिस्प्यूट रेजोल्यूशन का मतलब क्या होता है कि डिस्प्यूट्स को सॉल्व करना राइट अब डिस्प्यूट्स को सॉल्व किसके बीच में करना सिटीजन और सिटीजन के बीच में अगर डिस्प्यूट है राइट right? आपस में सिटीजन अगर झगड़ रहे हैं आपस में उनके कोई क्राइम कमिट हो रहे हैं तो उनको जस्टिस सर्व करना राइट right? फिर सिटीजन और गवर्नमेंट के बीच में या फिर इवन गवर्नमेंट और गवर्नमेंट के बीच में भी झगड़े हो सकते हैं तो इन सारे डिस्प्यूट्स को सॉल्व करने का काम आपके सुप्रीम कोर्ट का है और गवर्नमेंट और गवर्नमेंट को छोड़कर बाकी जो डिस्प्यूट्स हैं यहाँ पर ये हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के पास भी होते हैं ठीक है मतलब एक सुप्रीम कोर्ट के पास हायर लेवल केसेस ज्यादा जाते हैं और हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के पास लोकल लेवल के केसेस ज्यादा जाते हैं बट थ्रू दी अपीलिएट सिस्टम छोटे लेवल के जो केसेज हैं वो भी सुप्रीम कोर्ट तक पहुँच सकते हैं और नेक्स्ट चैप्टर में आप पढ़ेंगे कि जो आपके फंडामेंटल राइट्स हैं ठीक है अगर आपके फंडामेंटल राइट्स वायलेट होते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि आप ये अपीलिएट सिस्टम को फॉलो करें ठीक है बाकी हर तरीके के, के केस में आपको अपीलेट सिस्टम को फॉलो करना पड़ेगा लोअर कोर्ट फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट सॉरी लोअर कोर्ट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़ेगा थ्रू दी लो लोअर हाई की लेकिन अगर आपके फंडामेंटल राइट्स वॉयलेट हुए हैं तो आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं और अगर आप हाई कोर्ट जाना चाहते हैं तो आप हाई कोर्ट भी जा सकते हैं ना यहाँ पर ये नहीं है कि अगर आपके फंडामेंटल राइट्स वॉयलेट हुए हैं तो आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट की मदद से जा रहे हैं Getting? तो इस तरीके से बहुत सारे ऐसे डिफरेंट केसेस होते हैं जिसमें जुडिशरी अलग अलग लेवल पर केसेस को ट्राई करती है ना ट्रायल चलाती है लोगों को जस्टिस सर्व करती है गेटिंग फिर इसके साथ आपको जुडिशरी में दो और कंसेप्ट को पढ़ना पड़ेगा वन इज जुडिशियल रिव्यू एंड अनदर इज पी आई एल पी आई एल सिंपली मीन्स पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन का मतलब क्या होता है कि जैसे अगर मान लो कि आ, मेरे घर पे अगर नहीं मैं क्यों अपने घर पे चोरी करवाऊँ मान लो किसी पर्टिकुलर पर्सन के यहाँ पर चोरी हुई आ, या उसके साथ कोई क्राइम कमिट होता है या ऐसे कोई भी केस बनता है ठीक है तो जो भी व्यक्ति जिसको आ, जिसका कोई नुकसान हुआ है ठीक है वो जाकर केस करेगा है ना जिगर पर चोरी हुई है वही जाकर कंप्लेन लिखाएगा ना गेटिंग तो ऐसे सिचुएशंस में जहां पर व्यक्ति जिसके साथ गलत हो रहा है जिसके साथ इनजस्टिस हुआ है वो खुद जस्टिस की डिमांड कर रहा है दैट इज गुड लेकिन इन सम केसेस क्या होता है कि बहुत सारे सेक्शंस ऑफ सोसाइटी ऐसे होते हैं जो खुद के लिए जस्टिस की डिमांड नहीं कर पाते है ना या तो वो सोशली बहुत ज्यादा बैकवर्ड है या तो एजुकेशनली और इकोनॉमिकली बहुत ज्यादा बैकवर्ड है तो वो खुद ही जस्टिस की डिमांड नहीं करते है ना या तो वो ज़रूरी नहीं समझते या तो उनको लगता है कि ये सब करने में उनके जो बच्चे कुछ रिसोर्सेज हैं इकोनॉमिक रिसोर्सेज हैं वो भी खत्म होंगे पैसा लगेगा ठीक है समय लगेगा तो इन चीज़ों के चलते वो क्या करते हैं केसेस नहीं करते राइट लेकिन अगर मान लो कि एक किसी भी इंडिविजुअल को किसी भी सिटीजन को ऐसा लगता है कि इन लोगों के साथ गलत हो रहा है बट ड्यू टू सम रीजन दे आर नॉट आस्किंग फॉर जस्टिस राइट तो मैं या कोई भी दूसरा व्यक्ति जो थोड़ा सा अवेयर है ठीक है जिसको लगता है कि दूसरे व्यक्ति के राइट्स वॉयलेट हो रहे हैं वो अपने लिए आवाज़ नहीं उठा रहा तो हमें उठानी चाहिए आवाज़ ऐसे केसेस में वो पर्टिकुलर पर्सन पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन लगा सकता है मतलब पब्लिक के इंटरेस्ट में लार्जर पब्लिक के इंटरेस्ट में वो एक लीगल एक्शन लेना चाहता है एक लीगल अपील लगाना चाहता है कोर्ट में ठीक है और पीआईएल को भी गवर्नमेंट क्या करती है उतनी ही सीरियसनेस की तरह एक केस को समझकर जुडिशरी वहाँ पर जस्टिस को सर्व करने की कोशिश करती है ठीक है जैसे अगर मैं देखती हूँ कि आ, मैं किसी रास्ते से जा रही हूँ और मैंने देखा कि जो रोड साइड वेंडर्स होते हैं ठीक है या फुटपाथ के आसपास आपने देखे होंगे कि कुछ लोग सामान बेचते हैं ठीक है या छोटी मोटी दुकानें लगाकर बैठे रहते हैं अगर मैं देखती हूँ कि कोई पर्सन इनको एक्सप्लॉइट कर रहा है, है ना या उनका जो राइट टू लाइवलीहुड है उसको वायलेट कर रहा है तो मैं उनके बिहाफ पर क्या कर सकती हूँ पी लगा सकते हो अगर वो खुद अपने लिए पी लगाना नहीं चाहते तो ठीक है और इस केस को उतनी ही सीरियसनेस के साथ जुडिशरी द्वारा हैंडल किया जाएगा एटिंग सो दिस इज पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन देन कमिंग टू जुडिशियल रिव्यू रिव्यू का मतलब है किसी भी चीज़ को दोबारा देखना जुडिशियल रिव्यू से पहले एक कंसेप्ट और समझते हैं जुडिशरी जो कि तीसरा इंस्टीट्यूशन है गवर्नमेंट का ठीक है लेकिन जुडिशरी बाकी दो इंस्टीट्यूशंस पे यानी कि लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव दोनों पर भी एक चेक रखता है कि कहीं ऐसा ना हो कि लेजिस्लेचर कोई भी ऐसा लॉ बना दे जो लोगों के राइट्स को वायलेट करता हो ठीक है या लोगों के साथ इनजस्टिस हो गेटिंग और एग्जीक्यूटिव किसी भी लॉ को किसी भी पॉलिसी को या किसी भी स्कीम को इस तरीके से ना इम्प्लीमेंट कर दे कि उसमें किसी के राइट्स वॉयलेट हो जाए या किसी के साथ इनजस्टिस हो जाए राइट तो ये दोनों पर भी नज़र रखने का काम जुडिशरी करती है है ना यहीं से आपका कंसेप्ट आता है जुडिशियल रिव्यू जुडिशियल रिव्यू मतलब जुडिशरी जब दोबारा किसी भी चीज़ को देख रही है रिव्यू कर रही है उसका ठीक है उसको आप कहेंगे जुडिशल रिव्यू मान लो लेजिस्लेचर ने एक लॉ बना दिया ठीक है जुडिशरी की नज़र में आता है कैसे भी कोई कंप्लेन करता है कोई केस लगाता है या मीडिया में बात चलती है कहीं पर भी या पी आई एल आती है है ना किसी भी तरीके से अगर जुडिशरी को ऐसा लगता है कि लेजिस्लेचर ने एक ऐसा लॉ बनाया जिससे लोगों के साथ इंटस्टिस हो रहा है तो जुडिशरी क्या करेगी उस लॉ को उठाकर देखेगी कि भाई आपने लॉ तो बनाया सही तरीके से बनाया लेकिन कुछ लोगों के साथ इसमें गलत हो रहा है तो ये रिव्यू किया ना दोबारा देखा उस पर्टिकुलर लॉ को है ना ऐसे मान लो एग्जीक्यूटिव ने कुछ ऐसा एक्शन लिया जो किसी के साथ इनजस्टिस कर रहा है तो उसका भी रिव्यू कौन कर लेगा जुडिशरी इवन जुडिशरी अपने दिए हुए डिसीजंस पर भी रिव्यू करती है है ना जैसे मान लो सुप्रीम कोर्ट ने आज डिसीजन दिया कि मान लो सुप्रीम कोर्ट के पास कोई एक केस आया या इवन हाई कोर्ट के पास कोई एक केस आया जिसमें उन्होंने एक डिसीजन दे दिया राइट right? अब कुछ सालों के बाद या कुछ समय के बाद वैसा ही एक सिमिलर केस दोबारा से इनके पास आया ठीक है और अब इस बार नए केस को जब ट्राई कर रहे थे जब नए केस को प्रोसीड कर रहे थे तब उनको रियलाइज होता है कि यार पहले भी ऐसा एक केस आया है जिसमें हमने ऐसा ऐसा डिसीजन दिया था जो हमें लगता है कि गलत है है ना उस समय हमारा दिमाग नहीं चला या उस समय हम उस नजरिए से चीजों को नहीं देख पाए ठीक है लेकिन कहीं ना कहीं वो गलत था तो जुडिशरी खुद अपने पुराने डिसीजन को भी चेंज कर सकती है राइट इसी प्रोसीजर को आप कहेंगे जुडिशियल रिव्यू है ना मतलब जुडिशरी को कभी भी ऐसा लगता है कि कहीं पर कुछ गलत हुआ है दोबारा उठा के देख लो ठीक है गलतियां सुधारने का भी काम कौन कर लेता है जुडिशरी इसी कंसेप्ट को आप कहेंगे जुडिशियल रिव्यू राइट चलो मतलब जुडिशरी के लिए सारी चीजें ओपन है

लेकिन जानने में क्या बुरा है जब हमने दो टॉपिक पढ़ ली तो एक और पढ़ लेते हैं राइट जुडिशियल एक्टिविज्म अब एक्टिविज्म किस वर्ड से आ रहा है एक्टिव से मतलब जुडिशियली जब एक्टिवली पार्टिसिपेट करती है देखो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कोई भी कोर्ट केस कब सुनेगा जब उसके पास कोई केस लगाएगा है ना मतलब आप सामने से एक डिमांड लेकर हमारे पास आए हो तब तो हम उस केस को सुन रहे हैं आपने पी आई लगाई तब भी हम सुन रहे हैं जुडिशियल रिव्यू हमको लगा कि भाई किसी ने कंप्लेन किया कोई केस लेकर आया तो हमें जुडिशियल रिव्यू भी कर लिया लेकिन जुडिशियल एक्टिविज्म का मतलब होता है कि कोई केस लेकर नहीं आया जुडिशरी के पास जुडिशरी खुद उठाकर केस लेके आई है अपने पास है ना अब ऐसा कब होता है जैसे जुडिशरी में जो जजेस हैं ठीक है ठीके, उनको ऐसा लगता है कि वो न्यूज़पेपर में न्यूज़ चैनल्स पे टेलीविजन में रेडियो पर या कहीं पर भी सड़क चलते अगर उनको कुछ भी ऐसा दिखता है जो उनको लगता है कि किसी के साथ इनजस्टिस है लेकिन उसकी किसी ने कंप्लेन नहीं की या कोई केस नहीं लगाया उससे रिलेटेड तो भी वो पर्टिकुलर जज क्या कर सकता है उस चीज़ को उठाकर एक पटिशन लगाकर कोर्ट में दे सकता है कि भाई ऐसी ऐसी सिचुएशन हमने देखी हमें लगा कि इसमें इनजस्टिस हो रहा है किसी ने भले कंप्लेन नहीं की लेकिन गलत तो हो रहा है ना कंप्लेन नहीं किया गलत हो रहा है तो भी तो गलत ही है है ना गलत चीज़ की अगर कोई कंप्लेन नहीं कर रहा तो वो जस्टिफिकेशन थोड़ी ना है कि हाँ किसी ने कंप्लेन नहीं की तो सही ही होगा गेटिंग तो यहाँ पर जुडिशरी जब एक्टिव होके सामने से काम करती है जस्टिस प्रोवाइड करने के लिए सोसाइटी में है ना पीस मेंटेन करने के लिए जस्टिस को मेंटेन करने के लिए सोसाइटी में जब जुडिशरी सामने से काम करती है खुद से केसेस को लेकर आ जाती है तब आप उसको कहते हैं जुडिशियल एक्टिविज्म राइट ये एक नए लेवल की बात है राइट क्योंकि अगर आप आ, पुराना काम देखें जुडिशरी का तो वहाँ पर जुडिशियल रिव्यू और पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन को धीरे धीरे करके धीरे धीरे करके ये आइडियाज़ एमर्ज हुए और रिसेंट आइडिया आपका क्या है जुडिशियल एक्टिविज्म का राइट right? और कहीं ना कहीं ये एक बहुत अच्छा तरीका है जिससे जुडिशरी एक्टिव हो रही है है ना जुडिशरी अपना रोल बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से प्ले करने की कोशिश यहाँ पर कर रही है राइट सो दिस इज़ ऑल अबाउट जुडिशरी सो चैप्टर हमारा यहाँ पर ख़त्म होता है हमने इंस्टीट्यूशन के बारे में पढ़ा उनकी नीड क्या है पढ़ा किसने इंस्टीट्यूशंस बनाए हैं कौन कौन से इंस्टीट्यूशंस हैं तीनों इंस्टीट्यूशन हमारे लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव जुडिशरी सबके बारे में पढ़ा और डिटेल्ड हमने पर्टिकुलर लेक्चर्स सारे इंस्टीट्यूशन के लिए बनाए राइट सो दिस इज इट फॉर दिस चैप्टर अब चैप्टर कंप्लीट हो गया आप चाहे तो एक बार सारे लेक्चर्स को ज्यादा स्पीड में देख लें राइट right? या तो फिर जो भी आपको आपने नोट्स बनाए होंगे उनको रिवाइज करके बुक रीड करके जो भी आपके डाउट्स हैं आप उनको मुझसे पूछ सकते हैं राइट यू कैन आस्क याउट इन दी कॉमेंट सेक्शन एंड आफ्टर दिस लेक्चर हमारा फिफ्थ चैप्टर जो बचा है डेमोक्रेटिक राइट्स वो भी इससे रिलेटेड है तो कोशिश करेंगे कि इसके बाद सीधा उसको ही समझ लें राइट right? ताकि एक लिंक बनी है सिविक्स की तो वही कंप्लीट हो जाएगा है ना और इसके बाद आपको कोई भी डाउट है सब्जेक्ट से रिलेटेड या दूसरे सब्जेक्ट से रिलेटेड जो मेरे एस एस में मैं आपको पढ़ाती हूँ आप मुझसे कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं So, this is it for today. And if you like the lecture, don't forget to like, comment, share, and subscribe.